हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्टिविटी बुक में एक्टिविटी नंबर 5 करने वाले हैं और वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम एक और एक्टिविटी करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक्टिविटी नंबर 5 में देखते हैं, हमें इसके लिए चाहिए कलर स्केच पेन। हमें आज डिफरेंट पोस्टर्स बनाने हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे रेड कलर और इसमें हमें ना तो राउंडर का यूज़ करना है ना ही स्केल का, ये हमें अपने हाथों से ही बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट। ऐसे ही सेम वे में हमें दूसरा बनाना है। हमारा फर्स्ट वन पोस्टर बन के रेडी है, अब हम सेकेंड की ओर चलते हैं। उसके लिए हम स्काई कलर के स्केच पेन ले लेंगे। नेक्स्ट वन है, उसमें हम पर्पल कलर वाले पेंसिल स्केच पेन कलर ले लेंगे।
हमारा फिफ्थ वन डांसिंग पोस्टर भी रेडी है और लास्ट वन अब बाकी है, वो इसमें हैंड्स रह गए। लेट्स डू इट। Now it's complete. Sixth one. सो हमारे डांसिंग पोस्चर जब बन के रेडी है, और ये बनाने में बहुत ही इजी है, लेकिन इसमें आपको इसमें भी देखो स्माइल वाले एक्सप्रेशंस है, अलग अलग हैंड्स और लेग्स के पोस्चर है, ये आपको ध्यान में रख के ड्रॉ करना है। ओके सो चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर। सो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है ये फ्लावर वाली, जिसमें हम क्रेयन कलर्स का यूज़ करेंगे और एक पेन ले लेंगे जो कि चलती ना हो वैसी, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ इसके बॉल पॉइंट का काम है। हम पहले क्रेयन कलर्स पूरे फेस पे लगाएंगे अच्छे से, और फिर हम उस पर इस पेन की हेल्प से ये फ्लावर वाली इफेक्ट देंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम रेड कलर ले लेंगे फ्लावर वाले इस पार्ट में, देखिए इसमें अनइवनली कलर किया हुआ है, तो हम भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। बस कलर आपके डार्क होने चाहिए तभी अच्छी इफेक्ट आएगी इसमें। अब थोड़ा सा ग्रीन ले लेंगे, अब लाइट ग्रीन ले लेंगे थोड़ा सा।
थोड़ा सा येलो कलर की हम इफेक्ट दे देंगे, बहुत लाइट किया हुआ है। अब लास्ट में ब्लैक वाला कलर आएगा। क्योंकि हमें पूरे फेस में फिलअप करना है और कलर आपको पूरे फेस में हॉरिजॉन्टली ही करना है, मतलब ऐसे वर्टिकल नहीं लेना है, बीच में पूरे फेस में हॉरिजॉन्टली जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्रेयन कलर्स की कितनी अच्छी इफेक्ट आई है। अब हम ये पेन ले लेंगे और इससे हमें ड्राइंग करना है इसमें। सो लेट्स स्टार्ट। आप इस पेन से भी कर सकते हैं या कोई भी नुकीली चीज़ लाइक राउंडर या फिर कोई स्टिक हो आपके पास या फिर ये पेपर क्लिप, किसी की भी हेल्प से कर सकते हो। मैं आपको इसे करके दिखाती हूँ पेपर क्लिप की हेल्प से। के क्रेयॉन्स जितने अच्छे होंगे उतने ही अच्छी इसमें इफेक्ट आएगी। अभी हमारी फ्लावर वाली एक्टिविटी रेडी है और आपको ये दोनों एक्टिविटी अपने बुक में कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू।